ये हैं भाई बद्रीनाथ जी के चरण साक्षात। बद्रीनाथ में बद्री बाबा के बद्रीशाल जी के दर्शन करके और चरण पादुका के दर्शन करके फिर पूरी यात्रा मानी जाती है। गुड इवनिंग और भाई स्वागत है आपका अपने चैनल वेदी ब्लॉग्स में, और मैं हूं आपका होस्ट यतीश वेदी। तो भाई बद्रीनाथ के दर्शन आपने कर लिए होंगे पीछे वाले ब्लॉग में और आपने सब चीज़ें देख ली होंगी। और भाई अब हम जा रहे हैं चरण पादुका नारायण जी की एंड भगवान की, और आप भाई व्यू देख लीजिए। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे आपको भी व्यू दिखाता रहूँगा मैं। और आगे बाबा आ रहे हैं तो बाबा से बात करते हैं। जी बाबा प्रणाम। जय श्री नारायण। जय श्री विशाल। भगवान बद्री विशाल का एक सुंदर तस्वीर या मैन कला अगर चाहो तो ये जो स्थान है बाबा भोलेनाथ का है। और जब नारायण ने बाबा भोलेनाथ से छल किया तो नीलकंठ महादेव वो है बीच में, ये नारायण पर्वत और ये नर पर्वत और बालक रूप में ये मंदिर बना है। ठीक है। और ऊपर जो वो बता रहे हैं चरण पादुका, हाँ जब वो किसी किया उसने जब हल करने को आया था तो नारायण ने पहले कदम उधर रखा। ठीक है। चरण पादुका जहाँ बोलते हैं इसको चरण पादुका, पहला कदम आ रखा था, पहले कदम उधर रखा। ठीक है। फिर आते इधर बाबा वो जो चरण पादुका वहाँ नारायण जी के पैर के निशान है। हाँ, पैर के निशान है चट्टान में। अच्छा अच्छा। पत्थर पे और वही थोड़ा सा किला है और दो चार महात्माओं की आपको गुफा स्थान ये सब दर्शन मिलेंगे। ठीक है। नारायण का इधर स्थापना करने का जगतगुरु शंकराचार्य जो सन्यासी थे उसने किया। आए हाय आए हाय मजे। और जो भाई आपको सुबह झरना दिखा रहा था मैं, वो शायद वहीं जाएंगे तो वो भी दिखाता हूँ और पास से। ये है वो झरना जिसकी पहले मैं आपको वीडियो दिखा रहा था और उसमें आप देख सकते हैं भाई कितनी तेज पानी गिर रहा है, धुआं उठ रहा है ऊपर से। आपने टाइगर हिल वाली वीडियो देखी होगी तो सेम ऐसा ही है बिल्कुल। तो भाई ये झरने के पास भाई मिले हैं, वो पीछे खड़े हैं, ब्लॉगिंग कैमरा है शायद, तो मैं पूछता हूँ कि ब्लॉगिंग करते हैं या नहीं। बाकी मेरे को लगा तो मैं पूछ लेता हूँ भाइयों से। हेलो ब्रदर, कैमरा देखा आपके पास, ब्लॉगर। अरे मैं भी ब्लॉगिंग करता हूँ भाई, वो अच्छा लगा मिलके। कहाँ से हो आप? मैं हरियाणा। अच्छा। हम लोग देहरादून से। देहरादून से। अच्छा, क्या नाम है भी आपके चैनल का? द रोवर्स डायरी। द रोवर्स डायरी। अच्छा अच्छा। आपके चैनल का नाम क्या है? मेरा वेदी ब्लॉग्स। वेदी ब्लॉग। हाँ जी। यूनिक नेम है क्या आपके का? हाँ वेदी कास्ट है, लेकिन वही की फैमिली का ऊपर नाम हो तो इसलिए। नहीं नहीं बहुत अच्छा। अच्छा, तो आप क्या जॉब करते हो भैया और कुछ काम? बेसिकली वैसे आईटी फील्ड से। ठीक है। तो हमारा अपना प्रोडक्शन हाउस भी है K9 स्टूडियो नाम से। अच्छा अच्छा। मतलब गानों के ऑडियो वीडियोस वगैरह वो सब करते हैं। ठीक है। बाकी ब्लॉगिंग द्रोवर्स डायरी नाम से ब्लॉगिंग चैनल है। उत्तर पॉइंट ट्रैवल कर रहे हैं 10 साल हो गए कंटिन्यू, लद्दाख कश्मीर नेपाल, मतलब मोस्ट ऑफ द ट्रैक्स हम लोगों ने करे हुए हैं, केदारनाथ तुंगनाथ सब कुछ सारे करे हुए। चैनल पर विजिट जरूर करना भाई, द्रोवर्स डायरी जो भैया के चैनल से वेदी ब्लॉग से जरूर, और जो भैया के चैनल से वो भी भाई देख लेना एक आधे जरूर अपना, वो तरक्की खुद ही करनी पड़ेगी। नहीं नहीं बहुत सही है, बढ़िया है। अरे बहुत बढ़िया है भाई, तो इतनी दूर दूर जगह दिखाने के लिए आ रहे हैं लोग। I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been. तो भाई वो फुहारे के बाद अगर ऊपर चरण पादुका पे जाने का रास्ता एक तो ये है जो आसान रास्ता है, और एक वो है मतलब पहाड़ों से जाने का रास्ता। भाई लोग सब वहीं से गए और मैं चलता हूँ यहाँ से क्योंकि आसान रास्ता बेस्ट है। ऊपर आके भाई ये रास्ता है, पहाड़ों पे चढ़ाई करनी पड़ेगी, मुश्किल रास्ता है बहुत, देखते हैं जा पाते हैं या नहीं।
हौसला है दिल में कि बाबा के चरणों को स्पर्श करेंगे। वहाँ से आया हूँ भाई मैं पहाड़ों से और सांस चढ़ रहे भयंकर। पता चला कि एक रास्ता वहाँ भी है सीढ़ी वाला, अब चलते हैं भाई ऊपर, थक गया है भयंकर सांस चढ़ा भाई। दौड़े दिखा था झरना कितनी दूर, आज झरने एक अति जड़ माग बैठ गया भाई। फोटो उतारेंगे भाई, पहले व्लॉग बना ले। और वो फुहारा देख लो, तला छोड़ दिया काकसरी। सही रास्ता था, मजा आया, बहुत मजा आ रहा भाई। इंजॉय और हाँ भी बकरी भाई फुल इंजॉय जमा भैया जान। उसके बाद हर वो लोग गुट्ठे नुआ पाऊ छाती माँ बाबड़ की सब तो मेन बात आना गलती करी है चप्पल की, जूते पैर का यो बेस्ट चीज़ है वो। जब नीचे दे भाई जब ये पहाड़ दिखा थे सिर्फ और थोड़े बहुत वे बादल तो ऊपर कुछ नहीं दिखा था। इब जुगर जुगर ऊपर चढ़े हैं और एक और पहाड़ है ऊपर और वो पहाड़ को थी ऊपर और झरना तो देख लो भाई, झरना दिखता ही नहीं जी भाई। चरण पादुका पे आ चुके हैं और देख लेते हैं एक बार, दर्शन कर लेते हैं चरण पादुका के। हरि मन नारायण नारायण हरे हरे। ऋषि गुफा अखंड ज्योत, अखंड ज्योत की गुफा। अरे तू चल आगे, तेरी लाइट चार्ज ले तू इसकी। बिल्कुल अंधेरा है यहाँ, ये है अखंड ज्योत बद्रीनाथ जी के चरण साक्षात बाबा के पैर। चरण पादुका के दर्शन करके और भाई ये है ऋषि गंगा, बाबा ने बताया है और ऊपर है 7-8 किलोमीटर नीलकंठ। भाई बादल 5 मिनट के अंदर बादल बढ़ गए और वहां देखो कुछ भी नहीं दिख रहा। के कहना चाहोगे भक्तो? मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। ऊपर नीलकंठ जाने का तो प्रोग्राम भाई कैंसिल हो गया क्योंकि टाइम हो रखा है 5:30 का और ऊपर जाते जाते भाई 6 किलोमीटर लगभग 9 बज जाएंगे तो वापस भी आना है तो आ नहीं पाएंगे, इसलिए वापस जा रहे हैं नीचे ही। और ये हैं वो ही पहाड़ हैं जिनसे राम सेतु बना था, यहाँ से वानर सेना लेके जाती थी। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी मजाक की बात है। अब आए ना लाइन पे क्योंकि ऋषि गंगा की साइड में इसलिए बोल दिया। आते टाइम भाई चरण पादुका पे रुके हैं क्योंकि एक चीज बतानी थी आपको खास, उसका आप ध्यान रखना। जैसे भाई हम वैष्णो माता पे दर्शन करके और भैरव बाबा के दर्शन करके पूरी यात्रा मानी जाती है, वैसे ही बद्रीनाथ में बद्री बाबा के बद्रीशाल जी के दर्शन करके और चरण पादुका के दर्शन करके फिर पूरी यात्रा मानी जाती है। तो भाई ऊपर आना जरूर, कष्ट होएगा आपको लेकिन मज़ा आएगा, व्यू मिलेगा, आपने देखा भी होगा। ये बारी आने के कितने भी बैठ जाए कैंपा में, उठ लो भैया 100 रुपये किराया भी ले लूँ। पहाड़ों में जन्नत में दिखे हैं पहाड़ी खरगोश। हेलो 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 हेलो, वो घुस गया अपने बिल में वहाँ से और हम जा रहे हैं शॉर्टकट से क्योंकि जहाँ से आपको लगे कि आप शॉर्टकट ले सकते हो रास्ता है वहाँ से आप शॉर्टकट लो क्योंकि पहाड़ों पे रास्ता काटना भी बहुत मुश्किल है।
लाइटिंग चकाचौंध सबसे प्यारी चीज़ है यहाँ की। मालाएं, रुद्राक्ष की मालाएं, बाबा की और बाबा की मूर्तियाँ, प्रतिमा। तो भाई अब आए भाई ऊपर रूम में, मतलब काफ़ी देर होगी, मैं तो सो भी गया था थोड़ी देर, और खाना वाना खा के और सोते हैं भाई, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रही मेरी, सिर में बहुत दर्द है, फीवर टाइप का भी हो रहा है, और 10 बज रहे हैं भाई, कम से कम एक घंटा तो सो लिया मैं, उससे थोड़ा आराम मिला है, टैबलेट लेके और सोता हूँ भाई, क्योंकि तबीयत साथ ना छोड़ दे बस, अभी तो बहुत दिन बाकी है। तो तब तक आप लो वीडियो का मज़ा, और मिलते हैं आपको कल की वीडियो में, मतलब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, गुड नाइट, जय शंकर भगवान, जय विशाल बद्री बाबा की जय।